राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया है। बाहरी दिल्ली के इलाकों में जमकर बादल बरसे और साथ ही तेज हवाएं भी चली। बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है, लेकिन सड़कों पर तेज बारिश से जल भराव होने के कारण लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। जैसे बुराड़ी, नथुपुरा, अलीपुर, रोहिणी और तिग्गीपुर नरेला सहित कई छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं, जहां बारिश से सड़क पर होने वाले जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि इस बारिश के मौसम से लोगों को चिलचिलाती गर्मी में ठंडक तो जरूर मिली है, लेकिन अभी दिल्ली सहित देश में मानसून आने में काफी समय लगेगा। बताए अपना राम ध्रुव। राम ध्रुव जी, ये जो मौसम ने करवट लिया है, इसके बारे में क्या कहना है आप? मौसम काफी सुहाना हो गया है, गर्मी से बहुत राहत मिल गई है और 3-4 दिनों से काफी गर्मी थी। हालांकि 2-3 दिन से पिछले 2-3 दिन से रुक रुक के बूंदाबांदी हो रही थी, मगर आज बारिश की वजह से काफी गर्मी से राहत मिली है और एकदम मौसम बहुत अच्छा हो गया, दिल्ली का खुशगवार हो गया है और बहुत आनंद आ रहा है। जिस तरह से खुशगवार मौसम हो गया है, अभी क्या प्लान है फैमिली के साथ कहीं जाने वाने का प्लान? किस प्रोग्राम तो है, मगर ये है बारिश थोड़ा टाइम के हिसाब से नहीं, सुबह की प्लानिंग बनती है, मगर सुबह बारिश नहीं हुई। अब इस टाइम लंच के बाद फिर अकेले ही जा सकते हैं, फैमिली के साथ कहाँ जा सकते हैं। जिस तरह से प्रोग्राम बना भी सकते हैं वैसा हो सकता है। जिस तरह से लोग यहाँ पे मतलब एसी, कूलर और पंखे चला के अभी तक वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से थोड़ा बहुत राहत तो मिल रही है। बिल्कुल राहत मिली है, उन सब चीज़ों से काफ़ी राहत मिली है और ऐसा लग रहा है कि हम जनवरी फरवरी के मौसम को फील कर रहे हैं इस टाइम। पंजाब केसरी दिल्ली के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी दिल्ली के साथ, तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दिल्ली से जुड़ी पल पल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी दिल्ली।